तो आज मैं अपने बाइक पे बैठ के अपने टैक्सी पॉइंट की तरफ निकल पड़ा था, और क्योंकि हर सैटरडे को मेरी वीकली मीटिंग होती है तो आज जाके पता चलेगा कि मेरे टैक्सी के बिजनेस ने पूरे हफ्ते कितना पैसा कमाया है। अब मैं फाइनली अपने टैक्सी पॉइंट पे पहुंच गया था, लेकिन वहां पहुंच के मुझे अलग ही सीन दिखाई देता है। वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई थी और सारे के सारे ड्राइवर्स मेरे माता मना रहे थे। ये सब देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि असल में यहाँ पे क्या हुआ। तो मैं फौरन अपने बाइक से उतरता हूँ और तेजी से चलते हुए अपने टैक्सी पॉइंट के अंदर जा पहुँचता हूँ। पर वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद ही नहीं की थी। मेरी सारी की सारी ऑल्टो टैक्सी जल के खाक हो गई थी और मेरा टैक्सी पॉइंट बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था। ये सब देखने के बाद मैं अपने ड्राइवर्स को पूछने लगता हूँ कि भाई यहाँ पे ये सब क्या हुआ, तो वो मुझे बोलने लगते हैं, क्या बताऊँ जी मियाँ, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हम। अरे उस गाड़ी में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, वो भी चल गया। ये सुन के मैं पूछता हूँ कि भाई बताओ यहाँ पे हुआ क्या था। मियाँ मट्टी का तिल्ला लगा, अपने सारे ऑल्टो जला दिए और पूरे के पूरे स्कॉर्पियो चोरी हो गए चाबी के कवर के साथ, और गाड़ी के डिक्की में विवल के पुड़े थे वो भी लेके भाग गए भाई वो। और भाई मेरा बड़ा काला वाला चश्मा भी लेके भाग गए। और ये सुन के तो मेरी फटके हाथ में आ गई थी। मेरी सारी ऑल्टो टैक्सी तो उन्होंने बर्बाद कर दी थी, लेकिन मेरी सारी की सारी स्कॉर्पियो टैक्सी जिन पे मैंने कुछ दिन पहले इन्वेस्ट किया था इतना सारा, वो भी चोरी हो गए थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मेरा एक ड्राइवर मुझे बोलने लगता है, आप डरने से कुछ नहीं होगा मियां, अपने को कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी वरना इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा अपने को। ये सुन के मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ, और उसके बाद मैं और वो ड्राइवर हमारी स्प्लेंडर पे बैठ जाते हैं। मैं फिर अपनी बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ और हम दोनों मिलकर सीधा निकल पड़ते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ। मेरे ऑल्टो टैक्सीज का तो नुकसान हो ही गया था, लेकिन मुझे किसी भी तरह अपनी स्कॉर्पियोज को वापस रिकवर करना था। तो लगभग 15 मिनट ड्राइव करने के बाद हम फाइनली पुलिस स्टेशन की तरफ पहुंच जाते हैं, और वहां फिर मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूं। फिर गाड़ी से उतरने के बाद वो ड्राइवर बोलने लगता है, पुलिस वालों से भी पहचान है अपने, गफ्फर भाई है वो करा देंगे अपना काम। और मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि मेरी सारी स्कॉर्पियो सही सलामत रहनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं और मेरा टैक्सी ड्राइवर मिलकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं, और फिर स्टेशन के अंदर पहुंचने के बाद हम सीधा चीफ ऑफिसर के पास चले जाते हैं, जो कि हमें देखते ही बोलने लगते हैं, हाँ बोलो क्या बोलना है तुम्हें। सर मुझे कंप्लेंट लिखानी है, मेरे टैक्सी पॉइंट पे चोरी हुई है। इनके किसी दुश्मन ने इनकी गाड़ी चोरी की और जला भी दी। एक मिनट, चोरी की या जलाई? अरे मियाँ समझो, आधे गाड़े को चोरी किया आधे गाड़े को जला दिए। लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता? भाई तुम्हारा भी इसमें कोई हाथ तो नहीं? अरे मियाँ मैं ड्राइवर हूँ ना। तो मालिक को बोलन देना तू कहीं कुछ जबर जबर कर रहा है। अभी ये बताओ तुम्हारी गाड़ी में कौन बैठा था, कैसे बैठा था, कहाँ पर बैठा था, खिड़की में मुंह तो नहीं डालता था? और हाँ ये भी बताना गाड़ी कब चोरी हुई थी। इतना सुनते ही मैं इंस्पेक्टर साहब को सारी डिटेल्स दे देता हूँ, और फिर वो बोलने लगते हैं चलो देखते हैं सीसीटीवी। फिर उसके बाद ऑफिसर हमें कंट्रोल रूम में लेके चल जाते हैं, और वो फिर हमारे टैक्सी पॉइंट के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को प्ले करना शुरू कर देते हैं। उस फुटेज में हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले वहाँ पे टाटा का 16 चक्का ट्रक आके खड़ा हो जाता है जिसपे ट्रेलर डैश था, और फिर मैं देखता हूँ कि उस ट्रक से दो बंदे उतरते हैं जिन्होंने पिक का मास्क लगा रखा था। मियाँ ये तो सुअर के शक्ल के। पहले तो कुछ देर तक वो मेरे टैक्सी पॉइंट का जायजा लेते हैं, और फिर उसके बाद पता नहीं कैसे वो एक एक करके मेरी सारी की सारी स्कॉर्पियो को चालू करते हैं और मेरे टैक्सी पॉइंट से बाहर ले जाना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इन्होंने इतने कम टाइम में मेरे स्कॉर्पियो के लॉक कैसे तोड़ दिए। फिर उसके बाद वो एक एक करके मेरी सारी स्कॉर्पियो को बाहर निकालते हैं और ट्रेलर में लोड कर देते हैं। लेकिन गुस्सा तो मुझे ये देख के आता है कि फिर उसके बाद वो ऑल्टो टैक्सी की तरफ जाते हैं, और थोड़ी देर तक घुसुर करने के बाद एक बंदा अपनी जेब में से ग्रेनेड निकालता है और मेरी टैक्सी की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से मेरी सारी की सारी टैक्सी ब्लास्ट हो जाती है। और इतना बड़ा कांड करने के बाद ये लोग बेशरम के जैसे उठ जाते हैं, और फिर वो दोनों ट्रेलर में चढ़ जाते हैं और ट्रक को स्टार्ट करके मेरी सारी की सारी स्कॉर्पियो को लेके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और इसी तरीके से मेरे टैक्सी पॉइंट इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये सब देखने के बाद मेरा दिल बैठा जा रहा था और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अरे बाप रे, ये तो काफी पहुंचे हुए चोर लगते हैं। अब इतना सब देखने के बाद मैं इंस्पेक्टर साहब को बोलता हूँ कि इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिख लेता हूँ, फिर 2-3 हफ्ते में तुम्हें एक ओटीपी आएगा, उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, वो स्कैमर होते हैं। तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, व्हाट्सएप के मैसेज में पीडीएफ आएगा, और उस पीडीएफ में अगर याहू लिख के रहा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर ना हो रहा तो फिर थोड़ा मुश्किल है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं मैसेज पे ध्यान दूंगा। वैसे मैसेज करने से मुझे याद आया कि आजकल मैं यूज कर रहा हूँ बॉबल कीबोर्ड, जो कि मुझे काफी सारे मस्त मस्त स्टिकर्स प्रोवाइड करता है, जिससे मेरे चैट करने का तरीका और भी ज्यादा बढ़िया बन जाता है। दोस्तों जब हम चैट करने के लिए नॉर्मल कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं और टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो वो एकदम नॉर्मल सा रहता है, लेकिन बॉबल कीबोर्ड में अगर आप कुछ भी लिखते हो तो आपको उसका तुरंत स्टिकर बनकर मिल जाएगा। ये स्टिकर्स काफी सारे डिजाइन में और 3D एनिमेटेड भी होते हैं। इसके अलावा आपको कीबोर्ड के अंदर ही काफी सारे GIF देखने को मिल जाते हैं, जो पसंद आया वो इस्तेमाल करो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे अपना खुद का स्टिकर भी बना सकते हो, जिसमें आपको सेल्फी लेना है अपनी, उसके बाद उसे एडजस्ट करके बस मेल और फीमेल सिलेक्ट करना है, और बस फिर ये बन गया आपका एनिमेटेड स्टिकर। और अब यहाँ पे अपने खुद के बनाए हुए स्टिकर से आप बहुत तगड़ी वाली चैटिंग कर सकते हो। अलग अलग टाइप के कलरफुल टेक्स्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। फनी टेक्स्ट भेजने हैं तो आपको मीम्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, और मीम्स भाई किसे नहीं पसंद। मैं भी काफी सारे मीम्स का दीवाना हूँ, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कीबोर्ड के अंदर ही मुझे सारे के सारे मीम्स मिल जाते हैं। चैटिंग करो, मीम्स भेजो और मजे लो। इसके अलावा इस कीबोर्ड में जोक्स, मूवी डायलॉग, शायरी, कोट्स, सभी का स्टिकर आप बना सकते हो। हर एक चीज इसमें मिल जाने वाली है, मतलब बॉबल कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने चैटिंग के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल बना सकते हो। तो दोस्तों देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी, तो जाके डाउनलोड कीजिए दोस्तों बॉबल कीबोर्ड।
अब मैं इंस्पेक्टर साहब को पूछता हूँ कि मेरी स्कॉर्पियो को ढूंढने में कितना टाइम लग जाएगा, तो वो मुझे बोलने लगते हैं, देख भाई सुन ले, 5 दिन भी लग सकते, 5 महीने भी लग सकते और 5 साल भी लग सकते। एक मेरा भाई था ना, उसको 55 साल लगे पर उसको इंसाफ मिला। पर मियां अपनी रोजी रोटी चलती ना उससे, टैक्सी के बिना अपन पैसे कैसे कमाएंगे? बेटा क्या तू टैक्सी के साथ पैदा हुआ था क्या? पैसा कमाना है तो उसके और भी रास्ते, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स, और अगर ये सब भी नहीं होता तो ऑटो चलाओ पैसे कमाओ। लेकिन मियां पर हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। और इतना बोल के इंस्पेक्टर साहब बोलते थे कि अब यहां से आप जा सकते हैं। और अब हम पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए थे। इंस्पेक्टर साहब ने हमारी कंप्लेंट तो लिख ली थी, लेकिन हमें कोई आईडिया नहीं था कि हमारी स्कॉर्पियो टैक्सी हमें वापस मिलेंगी या फिर नहीं। तभी मेरा टैक्सी ड्राइवर मुझसे बोलने लगता है, मियां मेरा जो था यही था, मैं हैदराबाद से आया था यहाँ पर काम करने के लिए। वहाँ पर मैं बिरयानी के झूठे प्लेटा धोता था, सोचा था यहाँ पे आने के बाद एक अच्छी नौकरी करूंगा और ज्यादा कमाऊंगा, जो कि मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस में रहकर कमाया। पर अब लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा फिर से झूठे प्लेटा धोने के लिए। हेलो रफीक भाई बोल रहे हैं क्या बिरयानी वाले? वो प्लेटा धोने की जगह खाली है क्या? हाँ खाली है, आ रहा हूँ मैं। तो मियां अपन तो चला फिर से प्लेटा धोने के लिए, बाय बाय। अब मेरे सारे ड्राइवर्स ने मेरा साथ छोड़ दिया था और पुलिस की छानबीन में तो काफी टाइम लगने वाला था, तो इसलिए मैं अपनी स्प्लेंडर पर बैठ के खुद ही निकल पड़ा अपने स्कॉर्पियो की तलाश करने के लिए। सीसीटीवी फुटेज से मुझे इस ट्रक के नंबर प्लेट का पता चल गया था और उसकी नंबर प्लेट पे छिक्का लिखा हुआ था। मैंने तो सोच लिया था कि इन चोरों को मैं ढूंढ निकालूंगा और अच्छे सबक भी सिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं कुछ ट्रक कंपनीज में गया और वहाँ पे जाकर ट्रक के बारे में पूछताछ करने लगा। सर क्या आपकी कंपनी में कोई ऐसा ट्रक है जिस पे छिक्का लिखा हुआ है? ना जी, हमारे प्लांट में कोई ऐसा ट्रक नहीं आया कभी। भाई क्या आपने छिक्का नंबर प्लेट वाला ट्रक कहीं देखा है? नहीं, हमारे इधर 12 चक्का चलता नहीं है, चक्का। ठीक है मैं दूसरी जगह जाके पूछता हूँ। कई जगह पूछताछ करने के बाद भी मुझे ट्रक के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। भाई क्या आपने ऐसा 16 चक्का ट्रक देखा है जिसके ऊपर छिक्का लिखा हुआ था? उसने मेरी गाड़ी चुराई है। देख भाई, हमारे धंधे पानी में टाटा एस के सिवा कोई यूज नहीं करते वो चीज। जमन डट्टी के पीछे ईटा पट्टी, वहाँ पे चलते पुराने ट्रक, एक बार जरूर से वहाँ पर देख लेना। ये सुन के मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ, मैं सीधा जमन डट्टी की तरफ निकल पड़ता हूँ। मैंने पूरे रास्ते पे अपनी नजर गड़ाए रखी थी और मैं आते जाते हर एक ट्रक को चेक कर रहा था, और तभी मुझे हाईवे पे एक वैसे ही ट्रक चलते हुए दिखाई देता है। इसके ऊपर ट्रेलर तो दूसरा लगा हुआ था लेकिन इसकी नंबर प्लेट पे छिक्का लिखा हुआ था, और ये 100% कंफर्म हो गया था कि ये वही ट्रक है। अब इस ट्रक को तो मैं इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा, तो मैं अपनी स्प्लेंडर को फुल रेस दे देता हूँ और यू टर्न लेके उस ट्रक का पीछा करना शुरू कर देता हूँ। अब मैं पूरी रफ्तार से अपनी स्प्लेंडर को भगाया जा रहा था और मेरा बस एक ही एम था कि इस ट्रक को फॉलो करना है। एक बार अगर इसके अड्डे पे मैं पहुंच जाता हूँ तो मुझे मेरी स्कॉर्पियो उसका पता चल जाएगा। धीरे धीरे करके वो ट्रक अपनी स्पीड बढ़ाने लगा तो मैंने भी अपने स्प्लेंडर का फुल पावर दिखा दिया। लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चेस चल रही थी, लेकिन मैं ट्रक के एकदम नजदीक भी जा नहीं सकता था क्योंकि ट्रक ड्राइवर को अगर शक हो गया कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए बिल्कुल मैं एक सेफ और मिनिमम डिस्टेंस पे ट्रक को फॉलो कर रहा था। ये ट्रक का ट्रेलर मेरी बाइक को छुपाने का अच्छा काम कर रहा था और इसी के सहारे मैं ट्रक का पीछा करता रहा। तभी हाईवे पे ट्रक एक डेंजरस मोड़ लेता है और मैं बाल बाल एक्सीडेंट होने से बच गया था। ट्रक अब और भी ज्यादा स्पीड बढ़ा रहा था और ट्रक को ऐसे फॉलो करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था मेरे लिए। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, क्योंकि सामने का रोड एकदम सीधा था, मैंने अपने स्प्लेंडर के एक्सेलरेटर को लॉक कर दिया और बाइक के ऊपर खड़ा हो गया। मैं जो करने जा रहा था वो दुनिया का सबसे बड़ा पागलपन था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था और ये ट्रक की आखिरी उम्मीद था मेरी स्कॉर्पियो को वापस लाने के लिए। फिर उसके बाद मैं अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करता हूँ और एक जोरदार जंप लगा देता हूँ। मुझे तो लगा आज मैं मर गया, लेकिन वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरी ये जंप सक्सेसफुल हो गई थी और मैंने ट्रेलर के ऊपर जो रॉड है उसे पकड़ लिया था। कभी कभी पागलपन करना भी काम में आ जाता है। अब वो ट्रक बस चलता रहा और मैं ट्रक के पीछे लटकता रहा। अब ये ट्रक कहाँ जा रहा था ये तो मुझे अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर बाद ट्रक एयरपोर्ट की तरफ पहुंच जाता है और वहां से लेफ्ट लेकर ट्रक सीधा पहुंच जाता है टोल नाके की तरफ। तो शुक्र था कि टोल वालों ने मुझे नोटिस नहीं किया, और फिर उसके बाद ट्रक वो टोल बूथ को भी पार कर लेता है। और फिर फाइनली 2 घंटे तक लटकते रहने के बाद वो ट्रक एक पुराने ट्रक यार्ड में आ जाता है, और देख के तो यही लग रहा था कि यही शायद उन चोरों का अड्डा है। और फिर वो ट्रक वाला अपने ट्रक को पार्किंग में ले जाता है, ट्रक को पार्क कर देता है और बोगी को अलग कर देता है। अब वो ट्रक वाला अपने ट्रक से उतर जाता है और वो कुछ लोगों से बातें कर रहा था, और मैं यहाँ पे ट्रेलर से उतर चुका था और चोर छुपे इसकी बातें सुन रहा था। मुझे देखना था कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। अबे तेरी क्या लॉटरी लगी है क्या जो मेरा पैसा तू 2 दिन के अंदर चुका देगा? अबे मेरा बड़ा माल आने वाला है, 2 दिन रुक जाओ, 2% ब्याज के साथ दे दूंगा। अरे बाबा बोल रहा है तो चुका ही देगा ये। अब उन लोगों से बात करने के बाद वो ट्रक वाला कहीं और जाने लगता है और मैं भी उस ट्रक वाले के पीछे पीछे चल लेता हूँ। ये ट्रक वाला जरूर कुछ ना कुछ जानता है, और वहाँ पे इसकी बातें सुनने के बाद मेरा शक तो कंफर्म ही हो गया था। ये बंदा जहाँ भी जा रहा था मैं चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता इसका पीछा किया जा रहा था। लेकिन जब मैं इसका पीछा कर रहा था तभी वो अचानक से रुक जाता है और बोलने लगता है, ये आवाज कैसी, कौन है, कौन है? मुझे लगा इस बंदे ने मुझे नोटिस कर लिया, लेकिन फिर वो बंदा बोलने लगता है, आज लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, मेरे कानों का वहम है। और इतना बोल के वो बंदा वहाँ से चले जाता है। मैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से घबरा गया था, मुझे लगा मेरी सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर ये मुझे नोटिस कर ले रहा है तो। अब वो बंदा एक पुराने हंगर की तरफ जाने लगता है और वो मेरी आंखों से एकदम गायब सा हो गया था। तो उसका पीछा करने के लिए मैं भागना शुरू कर देता हूँ, और मैं काफी रफ्तार से भागे जा रहा था क्योंकि वो बंदा मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगा मैंने उस बंदे को खो दिया, लेकिन जैसे ही मैं हंगर के एंड में पहुंचता हूँ तो मेरे पूरे के पूरे
होश उड़ जाते हैं। और मुझे सामने देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने एक जगह कवर लिया और फिर मैं सामने देखने लगा और सामने कुछ और नहीं मुझे दिखाई देता है वो ट्रक वाला जो कि दो और बंदों के साथ खड़ा था और मेरी सारी की सारी स्कॉर्पियो कार इन लोगों के पास ही थी। यही वो लोग थे जिन्होंने मेरी सारी की सारी स्कॉर्पियो टैक्सी को चोरी किया था और ये लोग कुछ इस तरीके की बातें कर रहे थे। हाँ मेरी जान, तूने तो कर बताया मेरे भाई, इतने सारे स्कॉर्पियो वो भी एक साथ मार लिया मेरी जान। अरे भाई मैं तो और चुराने वाला था पर वहाँ पर आग लग गई। कोई बात नहीं मेरी जान, तूने जान भाई का काम कर दिया, इतना ही काफी है। मार्केट में इन गाड़ियों इनके पार्ट्स की बहुत डिमांड है, अभी तो हम इन गाड़ियों से अच्छा मोटा पैसा छापेंगे रे। मैं कंटेनर के पीछे छुप के इनकी सारी बातें सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी जाके उनका मुंह तोड़ दूं, लेकिन किसी तरह मैंने अपने आप पे कंट्रोल रखा और चुपचाप इनकी बातें सुनता रहा बस में। वो जो भी हो, पर सबसे पहला हिस्सा मुझे चाहिए, मुझे अपना हिसाब चुकाना है। भाई को टेंशन लेता मेरी जान, देखो आज रात को पूरा हिसाब मिल जाएगा रे। मलेशियन मार्केट में इन गाड़ियों को बेच के हम तगड़ा पैसा कमाएंगे, 50 मेरा 50 तेरा, बाकी सारा इस बच्चे का। समझाना मेरी जान, पूरा बाकी तेरा, पूरा तेरा। बस पैसे दे देना मेरी जान, ठीक है? वही पर रुक जाओ। अब ये कौन बोला? कौन है रे मेरी जान? कोई और नहीं, ये मैं हूँ जिसकी स्कॉर्पियो तुम लोगों ने चुराए। अरे बाप रे, नहीं ये यहाँ पर कैसे? कौन है भाई ये? अरे मेरी जान, इसे पहचानता हूँ मैं, इसकी गाड़ी मैंने पहले भी चुराई थी, पिछले साल याद है कि मेरी जान कैसे मैंने तेरी स्कॉर्पियो चुरा के बेच डाला था। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि हाँ वो मुझे अच्छे से याद है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे hey, कुछ भी हो पहले मेरा मुझे पैसा दे दो। मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि मेरी स्कॉर्पियो चुपचाप मुझे वापस कर दो, तो वो मुझे बोलने लगते हैं स्कॉर्पियो तो नहीं मिलेंगी मेरी जान, बस लाता मिल सकते हैं मेरी जान। फिर भी अगर लेने की इच्छा हो तो हम तेरी जान ले सकते हैं। समझा मेरी जान, अगर पैसा चाहिए तो ले ले इसकी जान। मेरे पैसे के लिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर ट्रक वाला बंदा मेरे तरफ भागते हुए आता है और मुझ पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता मैं उसे तुरंत एक स्पीयर दे देता हूँ। साले ट्रैवल चिप से पंगा नहीं ले सकता। फिर उसके बाद वो आधा नंगा पंगा गुस्सा हो जाता है और भागते हुए आके मुझे मारने की कोशिश करने लगता है। मैं उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉच कर देता हूँ और ये करना मेरे लिए काफी ज्यादा स्मूथ था। और जब वो बंदा थक गया मैंने उसे दे दिया एक ड्रॉप केक और आखिर में इनका ये थुलथुला मैनेजर बच गया था, जिसके लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक पंच ही काफी था। और पंच देने के बाद ये थुलथुला मैनेजर तो गहरी नींद में सो गया। इन लोगों ने कोशिश तो पूरी की लेकिन बेचारे मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाए। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मुझसे कभी नहीं भिड़ना क्योंकि ये बॉडी मैंने यूं ही नहीं बनाई है। चलो अब जो भी हो, लेकिन मेरी स्कॉर्पियो सब फिर से मेरी हो गई थी और इन सारी की सारी स्कॉर्पियो को देख के जो मैं खुशी फील कर रहा था वो मैं अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता था। ये सारी की सारी स्कॉर्पियो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे सारे के सारे टैक्सी ड्राइवर्स की भी रोजी रोटी है। और मैं इस बात से बहुत खुश था कि अब मेरे सारे के सारे ड्राइवर के पास फिर से जॉब वापस आ गई है और अब जाके मेरे चेहरे पे बड़े वाली स्माइल आ गई थी। और फिर उसके बाद मैं अपनी सारी की सारी स्कॉर्पियो को वो ट्रेलर के अंदर लोड कर देता हूँ और लोड करने के बाद वो ट्रक वाले के ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और ट्रक और ट्रेलर को लेके मैं सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। आज का दिन काफी भागदौड़ पड़ा रहा, चेसिंग से लेके फाइटिंग मैंने बहुत कुछ की, लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक रहा और मेरे सारे स्कॉर्पियो अब मेरे पास वापस आ गए थे। मेरे सारे के सारे ड्राइवर्स हद से ज्यादा खुश थे क्योंकि कितना भी बोल लो यार, ये टैक्सी से उनका घर चल रहा था। जैसे ही मैं अपनी सारी स्कॉर्पियो को वापस ले आया, मेरे सारे के सारे ड्राइवर्स ने वापस से मेरे पास नौकरी ज्वाइन कर ली। लोगों ने मुझसे माफी भी मांगी कि मेरे बुरे टाइम में उन्होंने इतनी जल्दी मुझे छोड़ दिया था, लेकिन अंत भला भला भले ही मेरी ऑटो टैक्सी बर्बाद हो गई थी, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारी उम्मीद थी और मैं अब 10 गुना रफ्तार से अपने टैक्सी बिजनेस में कमबैक करने वाला था। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को दोस्तों पहली बार देखते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो।